हमें मंत्री जी जो है रात को 2 बजे फ़ोन किए और कहें कि प्रिंस, हमने कहा कि नहीं मैं प्रिंस नहीं बोल रहा, मैं उनका दोस्त बोल रहा हूँ, मैं प्रिंस से ही बात कर रहा था, मगर मैं समझ गया था कि मंत्री जी फ़ोन कर रहे हैं। तो मैं जानबूझ के बहाना कर दिया कि बड़े आदमी हैं, मंत्री हैं, उनका शासन सत्ता भी है, इनके मुँह लगना अच्छी बात तो है नहीं, हम लोग गरीब आदमी हैं, रोज कुआ खोदना रोज खाना यही हम लोग का हिसाब है। तो वो कहेंगे बेटा ऐसा है कि वोट तुम दे दो, और नहीं तो वोट तुम मुकेश को भी नहीं दोगे और तुम हम ही को दोगे, नहीं तो इतना केस लगवाऊंगा ना बेटा तुम चले जाओ जेल, और पहले से तुम्हारे ऊपर केस भी है। तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे ऊपर केस हो रही नहीं है, मैं साधारण आदमी हूँ और पहली बार चुनाव लड़ा हूँ और भगवान के दया से मैं, भगवान के रहम से मैं जीत गया चुनाव और हमने पब्लिक हमको पसंद की, हमने जीत गए। फिर बाद में हमें ऐसा लगा कि क्यों मैं चुनाव जीता, इतना लोग हड़काने लगे, ये करने लगे, हमने कहा कि बताइए पब्लिक का बड़े बड़े नेता लोग कैसे कैसे क्या धमका रहा था, और धमका रहे थे कि तुम वोट नहीं दो पाओगे, तुमको इतना केस लदवा दूंगा कि तुम चले जाओ जेल, वहीं से उठ जाओगे। हमको डर लगने लगा, सही बता रहा हूँ। तो हमने 1 महीना से अभी बाहर हूँ, डर अपने घर छोड़ के, अपने बाल बच्चा बीवी सबको छोड़ के हम बाहर हूँ, डर की मार, उसके चलते मंत्री के चलते, प्रकाश मंत्री के चलते जी, कि कहीं मुझे उठवा ना ले, प्रशासन बार बार आ रहा है, शासन सत्ता है तो प्रशासन उन्हीं का सुन रहा है। लेडीज पुलिस भी भेज रहा है क्या आपके घर पे? तो मैं लेडीज पुलिस सुना, मैं देखा भी नहीं, मैं तो सुना आप लेडीज पुलिस गया नहीं था, मगर ऐसे कोई सूचना दे रहा था कि फलाने गांव में लेडीज पुलिस गई। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे घर पे वो रितेश भी गया था, उसका लड़का? हाँ गए थे। क्या बोल रहा था? वही बोल रहे थे कि वोट हम लोग को दो, हाँ हम लोग के साथ रहो, यही बोल रहे थे। और कुछ नहीं बोला? नहीं। धमकाया नहीं तुमको? भड़काने की बात क्या, वो नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं बोले हैं, वो जो था वो साफ बोले, यही बोले हैं कि हम लोग के खेमा में आया हूँ, हम लोग को वोट दे। और हाँ मंत्री जी एक चीज कहे कि तुम अपने समाज का एक पहला व्यक्ति हो कि तुम हमारे बगावत कर रहे हो, नहीं तो ऐसा कोई बगावत करने वाला है नहीं। तो हमने सोचने लगा कि वो तो सही कर